प्रशासन, मौत के 4 साल बाद भी नहीं मिला संबल योजना का लाभ। मामा कैसे खरे उतरेंगे मध्य प्रदेश में? बहनों के मामा से ये बड़ा सवाल। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में मामा तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को लुभवाने वादी करते हैं, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी अपने क्षेत्र की जनता और उनके खुद के विधायक होने के बावजूद भी 4 साल से पीड़ित को संबल योजना की 2 लाख रुपए की राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अगर बात शिकायतों की करें तो पंचायत समिति से लेकर कलेक्टर तक सबको शिकायत की जा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर। यहां तक कि क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को भी इस मामले में बताया गया, लेकिन आज दिनांक तक पूरे इस मामले में पीड़ित को कोई सहायता मुहैया नहीं हुई। शिवपुरी के कोलारस तहसील अंतर्गत आने वाली लुकवासा के रहने वाले युवक ने कलेक्टर से संबल योजना की राशि की गुहार लगाई, राशि जल्द खाते में डलवाने की मांग की। उसके पिता की मौत हो गई, संबल योजना में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन आज दिनांक तक नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक विवेक कुमार पुत्र कल्याण सिंह चुडार निवासी लुकवासा तहसील कोलारस ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि उसके पिता का देहांत 31 मई 2019 को हो गया था। अंत्येष्टि हेतु शासन से 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके बाद शासन द्वारा प्राप्त होने वाली राशि के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड सहित पंजीयन प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लुकवासा सहित तहसील कोलारस के पंजीयन प्रमाण ग्राम पंचायत लुकवासा तहसील कोलारस के सरपंच सचिव को दिए गए थे, लेकिन आज दिनांक तक हुई राशि प्राप्त नहीं हुई है। यह है मध्य प्रदेश, मामा की नगरी। आज हम आपको मध्य प्रदेश में वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि गरीबों के लिए हमने ये योजना चलाई, हमने लाडली बहना योजना चलाई, कन्यादान योजना चलाई, जो किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए संबल योजना चलाई। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलाऊंगा जिसकी आर्थिक स्थिति तो आप देखोगे ही खराब है, लेकिन उस परिवार को अपनी चप्पलें घिसते घिसते, अपने एड़ियों और पैरों में छाले पड़ते पड़ते लगभग 4 साल बीत गए। कट करना। दिनांक तक उनको अपने अधिकार का पैसा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। लेकिन जब इस विषय में अधिकारियों से बात करते हैं तो वो अधिकारी अगले और बगले झांकने लगते हैं। उस गरीब के हक के पैसे को मारकर क्या मिलेगा उन अधिकारियों को? क्षेत्र की विधायक की बात करें या क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि की बात करें तो उस गरीब को उसका अधिकार दिलाने के लिए उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को नहीं है बिल्कुल भी समय, चाहे क्षेत्रीय विधायक की बात करें या क्षेत्रीय अन्य जनप्रतिनिधियों की। ये देख सकते हैं किस तरीके से बरसात से बचने के लिए बरसाती डाली गई है। आप मेरे पीछे वर्चुअल स्थिति देख सकते हैं। हम आपको ले जाएंगे असली स्थिति पे कि आखिर वस्तु स्थिति क्या। चलिए आज घुसते हैं इस घर में, अंदर चलते हैं। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं चाहूंगा आप दिखाइए किस तरीके की स्थिति में ये लोग रहते हैं। ऊपर दिखाइए ऊपर की क्या स्थिति है। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मनिया। आपके पति किस सन में खत्म हुए थे? 2019 में खत्म हुए थे। तब से आपको कोई राशि दी गई नहीं सरकार द्वारा? नहीं। आप उस अगर वो राशि मिलती कि आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत आ रही है। हम चलिए बात करते हैं इनके बेटे से, क्या नाम है आपका? विवेक चड़ार। विवेक, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जो राशि आपको मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, लगभग 2019 से बता रही है कि डेथ हुई थी, तो 2019 से क्या 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 समस्याएं सामना करना? बहुत समस्याएं आ रही है सर, जिसमें क्या है कि मम्मी बीमार रहती है तो उनको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, खाने पीने में दिक्कत होती है बहुत, मतलब 4 साल हो गए फिरते फिरते कोई भी नहीं सुनता। आपने किन किन की अपनी शिकायतें दर्ज कराई, अधिकारियों को बताया? हाँ, सबको। क्या कहते हैं वो पंचायत सेक्रेटरी को सबसे पहले बताना होता है? बताया था सेक्रेटरी साहब को। बताया आपको तो? कोई आर्थिक तत्काल सहायता आई थी कुछ थोड़ी बहुत? 5000 दी थी। 5000 रुपए दी थी, इसका मतलब आप पात्र हैं उसमें? हाँ। तभी आपको 5000 रुपए आए? हाँ।
तो उसके बाद से आपको कोई पैसा नहीं आया? उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। मैं आपने इसके बाद किस किस को शिकायत करी? जनपद में एसडीएम साहब और सुप्रीम कलेक्टर साहब सबको का किताब। कलेक्टर साहब अपने जनप्रतिनिधियों में अपने विधायक वगैरह उन तक? विधायक जी को बता दिया मैंने दो तीन बार, बस वे सुनते ही नहीं है। मतलब आज की स्थिति ये है कि भाजपा की सरकार में मामा के बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इन बच्चों के लिए क्या कैसे इन बच्चों के लिए आप लोगों को, छोटे छोटे आपके बच्चे भी हैं, आपका घर पूरा कच्चा है। मैं नीचे जो देख रहा हूँ नीचे की स्थिति, तो इन स्थितियों को कभी आप लोगों, मतलब आप लोगों ने अधिकारियों को यहाँ आके देखने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई भी अभी अधिकारी कोई भी नहीं आया। कोई जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे यहाँ के लोकल कोई जनप्रतिनिधियों कोई भी आया? कोई भी नहीं आया अभी तक, चार साल हो गए कोई भी देखने नहीं आया। कहाँ पे सो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा में बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं कि यहाँ पर हम ये योजना चला रहे हैं, हम ये योजना चला रहे हैं, आर्थिक लाभ अधिकारियों कर्मचारियों को इतना मिल रहा है, आर्थिक लाभ के लिए हम गरीबों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। चाहे हम बात करें जनप्रतिनिधियों की, चाहे बात करें हम अधिकारियों की, सबसे बड़ी बात देखने में ये आई है कि इतने अति गरीब जो योजनाओं का लाभ इस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए था, वो भी योजनाओं का लाभ इस गरीब व्यक्ति को नहीं मिला है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इस पात्र व्यक्ति को, सबसे बड़ी बात देखने में ये आएगी कि क्या इस पात्र व्यक्ति को अब योजना का लाभ मिल पाएगा, या हर बार की तरीके से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की निराशा का साथ मिलेगा।